aquarium. एक्वेरियम तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खूबसूरत था और बच्चे तो यहाँ इतने खुश थे कि उस खुशी को शायद अल्फाज नहीं दिए जा सकते। अब दोपहर हो चुकी थी और हम सबको बहुत भूख लग रही थी और शायद बच्चों को भी, क्योंकि उनके मासूम चेहरे से भी थकन के आसार दिखने लगे थे। यानी अब अस्करी पार्क से अपने नए स्टॉप की तरफ चलने का वक्त आ गया था और इसके लिए हम सब एक बार फिर बस में सवार हुए और बस हमको लेकर हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलने लगी। अब हमारी मंजिल थी मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स की मैनेजमेंट ने बच्चों के लिए एक जबरदस्त अरेंजमेंट किया था। गुब्बारों से सजा हुआ पोर्शन, फेस पेंटिंग, मैजिक शो और मजेदार बर्गर्स। यहाँ का माहौल देखकर बच्चे अपनी भूख भूल चुके थे, लेकिन हम नहीं। इसलिए पहले लंच करने का फैसला किया। एक भरपूर पार्टी वाले माहौल में लंच करने का मजा अलग ही है। बच्चे इस लंच को खूब एंजॉय कर रहे थे। जॉर्ज और मैं तो बच्चों के दरमियान घिरे हुए थे। There are some days when you just want to come to work and this is certainly one of them. अब लंच खत्म हो चुका था, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं, क्योंकि फेस पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फेस पेंटिंग करने में तमाम बच्चे इंटरेस्टेड थे और साथ साथ हम सब भी। फेस पेंटिंग एक्सपर्ट ने बच्चों के चेहरों पर बड़े खूबसूरत नक्शोनिगार बनाए। अब कोई बच्चा बिल्ली बना हुआ था तो कोई कुछ और। जॉर्ज ने भी बच्चों के साथ अपना फेस पेंट करवाया। एक तरफ तो फेस पेंटिंग का सिलसिला चल रहा था, दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स की टीम बलून से खेलते बच्चों की पिक्चर्स ले रही थी और उनके साथ थे मिस्टर मैकडॉनल्ड। बच्चे बहुत ही खुश थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस आजाद दिन के हर लम्हे से लुत्फंदोज होना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश थी कि आज के दिन के हर लम्हे में कैद खुशी इन बच्चों तक पहुँचा दी जाए। हमारी इस कोशिश में मैकडॉनल्ड्स की मैनेजमेंट हमारे साथ थी और उन्होंने बच्चों के लिए मैजिक शो का भी इंतजाम किया था। बच्चों के लिए ये मैजिक शो बहुत इंटरेस्टिंग था और कुछ कुछ हमारे लिए भी, स्पेशली जॉर्ज। तीन नॉट लगाने के बाद ये नॉट एक हाथ से खुल सकती है, एक हाथ से तो क्या, ये दो हाथ से भी नहीं खुल सकती। अब हमारे पास बच्चों के लिए एक और सरप्राइज था और वो सरप्राइज था फेमस सिंगर मोहम्मद अली शेकी। शेकी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आए थे और उनके आने से हमारी पिकनिक और भी कलरफुल हो गई। हम सब ने शेकी के साथ गाने गाए। अब बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन इस पिकनिक का सेलिब्रेशन केक अभी बाकी था। केक खाने के बाद अब हम वापस जाने के लिए तैयार थे और अब हमारा स्टॉप था मोवेनपिक। इस वक्त हम खड़े हैं मोवेनपिक में। मोवेनपिक वालों ने वेरी काइंडली देव ऑफर्ड अस कि हम बच्चों को यहाँ लाए और उनको आइसक्रीम खिलाएं, और आज जो उनको आइसक्रीम दी जा रही है वो है स्ट्रॉबेरी। मेरा आइसक्रीम कहाँ है? मुझे आइसक्रीम पसंद है, लेकिन she doesn't give me any. बहुत शुक्रिया। आइसक्रीम
मजेदार है, बहुत मजेदार। इस वक्त हम मोवनपिक पर खड़े हैं एंड थैंक्स टू मोवनपिक इन बच्चों को जबरदस्त और मजेदार आइसक्रीम खाने को मिली। बहुत मजेदार आइसक्रीम है। मेरे पेट बहुत फुल है, बहुत फुल है, और बच्चों का पेट भी बहुत फुल है। थैंक यू वंस अगेन मोवनपिक, द लिटिल बच्चेस एंड द बड़ा बच्चा। थैंक यू मोवनपिक। अब वापस जाने का वक्त करीब आता जा रहा था और हम एक बार फिर वापस जेल जाने के लिए बस में सवार थे। अब जेल आ गया था। हम सब बच्चों को छोड़ने जेल के अंदर गए। एक बार फिर वो ही आयन का गेट जिसकी दूसरी तरफ बच्चों की वो महदूद दुनिया थी। लेकिन आज का खूबसूरत दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी बच्चे जेल के पार्क में हमारे साथ थे और हमारे पास थे उनके लिए तोहफे। हमारे पास एक और सरप्राइज। आओ आओ। हमारे ये तोहफे उस खुशी का बदल तो नहीं थी जो आज इन बच्चों के जरिए हमें मिली, लेकिन हमारी इन बच्चों से मोहब्बत का एतराफ जरूर थे। बच्चे गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश थे। अब वक्त खत्म हो चुका था। बच्चे हमें खुदाफिस कहते हुए जेल के अंदर की तरफ जा रहे थे। And I hope it's been a special day for the kids and one that they'll remember for many years to come, because I know for Kieran and myself this is one day we will certainly remember for many years to come.